वेलकम बैक टू आवर चैनल विनीता जी के तरीके। कैसे आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो आज क्या हुआ, आज हम बिस्किट बना रहे थे, आटा बिस्किट जो आप सब बनाते भी होंगे घर पे। हमने सोचा आज हमारा बहुत मन कर रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आटा बिस्किट घर पे बनाएं। तो हमने बस एक ही चीज इसमें की थी, फिर हमें याद आया क्यों ना आपके साथ ये शेयर करें। तो फिर हमने उधर ही अपना काम रोक दिया। फिर मम्मी से पूछते हैं कि आटा बिस्किट के लिए मम्मी क्या क्या करेंगी। नमस्कार, जैसे कि अभी बताया ही है कि आज हम बिस्किट बना रहे थे घर में, तो देखते हैं हमने आटे बिस्किट के लिए क्या क्या सामान यूज़ किया है। आटा बिस्किट बनाने के लिए मैंने आधी कटोरी आटा लिया है, एक सर्व स्पून बेसन लिया है, थोड़ा सा दूध लिया है और थोड़ी सी छोटी इलायची और कटे हुए बादाम लिए हैं। इसके लिए क्या करा, हम जैसे हमने एक आधी कटोरी देसी घी लिया था और उससे थोड़ा सा कम हमने पिसाई हुई चीनी ली थी घर की, तो उसे मैंने फेंट लिया था। फेंटते फेंटते हमें याद आया कि हम बिस्किट तो बना रहे हैं घर में, तो हम इसे आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमने 5 मिनट फेटा था, बस आपको थोड़े ही देर आपको हाथ से फेंटना है, बस जिससे फ्लफी हो जाए, फ्लफी हो जाए और ये नीचे गिरे भी ना, गिरे भी उससे ही हो रहा है। ये हमारा बिल्कुल ठीक हो रहा है इस टाइम, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ 5 मिनट ही फेंटना है और थोड़ा आपको ये फ्लफी करना है। तो अब देखते हैं आगे क्या करते हैं इसमें। इसमें थोड़ा सा डालूंगी मैं चुटकी भर नमक, बहुत ही हल्का इसमें नमक डलता है। ये पीसी हुई इलायची और कटे हुए बादाम, आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, आप चोको चिप्स भी डाल सकते हैं। मेरे पास चोको चिप्स नहीं थी तो मैंने कटे हुए बादाम ही इसमें डाल दिए। अब हम जो जो सामान हमने लिया था डालते रहेंगे। पहले हम अभी दूध के बिना ही इन सबको पहले बाइंड करेंगे, अगर हमें लगेगी ज़रूरत दूध की तो हम दूध डालेंगे, वरना हम दूध को स्किप करेंगे। दूध हम इसलिए डालते हैं क्योंकि ना जब हम डो बना रहे होते हैं तो वो क्रैक आता है और बाइंड भी नहीं हो पाता है हमारा डो, तो हम जब थोड़ा सा दूध डालते हैं जिससे हमारा जो डो है बिस्किट का वो बाइंड हो जाए, तो क्या हमारा डो सही बैठ जाएगा। और आपके डो में कम से कम क्रैक्स होने चाहिए, अगर ज़्यादा क्रैक्स है तो आप उसको मल के और दूध को थोड़ा डाल के उसको ठीक कर सकते हैं। थोड़े क्रैक्स तो होंगे लेकिन ज़्यादा क्रैक ना हो, आपको यही ध्यान रखना है, वरना अगर ज़्यादा क्रैक होंगे तो आपकी बिस्किट ठीक से नहीं बन पाएगी। अगर कि आपका ये आटा कम लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा मिला भी सकते हैं। ये देखिए, ये हल्का सा मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा था आटा, तो इसमें मैंने थोड़ा सा बस 2 सर्व स्पून के करीब आटा मिला के इसे ठीक कर लिया। देखिए अब ठीक है, उस टाइम थोड़ा सा पतला लगा था मुझे आटा, तो मैंने थोड़ा सा इसमें आटा मिला दिया। देखिए, इसमें आपकी ज़्यादा क्रैक नहीं आनी चाहिए, थोड़े बहुत तो क्रैक आएंगे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपको लग रहा है ज़्यादा लग रहे हैं आपको क्रैक, तो आप हल्का सा दूध हाथ में आपको ऐसे लेना है, बहुत अच्छी लगती है ये आटा बिस्किट। देखिए हमारा आटा पूरा तैयार है। इसमें आपको अगर लगता है आपका पतला हो गया हो रहा है आटा, तो उसमें थोड़ा सा आटा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बाइंड नहीं हो रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा दूध डाल के इसको ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा दूध लिया था, हमने करीब करीब इसमें डाल दिया, ऐसे हाथ लगा लगा के आपको ठीक कर लेना। थोड़ा थोड़ा आपको हाथ को भी गोभी गोभी करना है, एकदम से सारा दूध नहीं डालना, ये तो पतला हो जाएगा। तो फिर जैसे हम एक डो बनाते हैं, आपको वैसे एक अच्छा सा डो बनाना है। थोड़े बहुत क्रैक तो आएंगे, आपके ज्यादा क्रैक नहीं आने चाहिए, खिला खिला से ही होना चाहिए। ये देखिए हमारा डो कितना अच्छा बनके तैयार हो चुका है, आपका भी ऐसे ही होना चाहिए। कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट भी है। देखिए कितना अच्छा डो रखा है हमारा। अगर आपको कुछ डाउट है या कोई कंफ्यूजन होती है तो आप हमसे किसी भी वीडियो को लेकर, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में वो डाउट वो कंफ्यूजन पूछ सकते हैं। इससे अब हम 10 मिनट के लिए गैस पे छोड़ देंगे ढक के, जिससे ये थोड़ा सेट हो जाए। इसके बाद हम बिस्किट बनाएंगे। इसे मैंने ढक के रख दिया 10 मिनट। देखिए अब हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं बिस्किट। अब हम बिस्किट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 10 मिनट हो चुके थे डो को,
सेट हो गया है। अब हम इसको आपको जैसी भी शेप देनी है, मोटी पतली जितनी रखनी है उस हिसाब से आप अपना पेड़ तोड़ लीजिए। देखिए थोड़ा सा हम इसको मोटा ही रखेंगे। अब मैं क्या करूंगी, इसको ऐसे चकले पे रख के, आप इसे भी रख सकते हैं, ट्रे ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए कोई, इसके रख के बीच में से आपको कोशिश करनी है कि बीच में से आपके ठीक ज्यादा मोटा ना रहे बीच में से। देखिए खिल रही है, हल्की सी वो खिलेगी पर कुछ नहीं होता। अगर आपकी ज्यादा खिल रही है, बीच में से भी खिल रही है, तो आप दूध डाल के आटे को सेट कर लीजिएगा। अब मैं क्या करूंगी, जो फॉक का जो पीछे का होता है उस पर देखिए मैं अंदर तक प्रेस करूंगी, जिससे इसमें ये डिजाइन आ जाए, डिजाइन आ जाए। देखिए और ये पूरी अच्छी तरह से अंदर तक बेक हो जाएगी। देखिए आप माइक्रोवेव में, ओवन में, किस में बना सकते हैं, पर इसे हम बना रहे हैं कढ़ाई में। देखिए और यहाँ पे मैंने कटे हुए बादाम लिए हैं, थोड़े से कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, पिस्ता, काजू। इसको हमें ऐसे स्प्रेड करना है, बस हम दो या तीन ही लगाएंगे। आप चोको चिप्स का ये भी यूज कर सकते हैं। फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मम्मी ने एक प्लेट रख रखी है, इसको हमने ग्रीस कर लिया, ग्रीस कर लिया। अब मैं फॉक की मदद से इसको आराम से पीछे से ऐसे इसको मैं उठाऊंगी, थोड़ा प्रॉब्लम आता है लेकिन आराम से उठ जाती है। और फिर हम डायरेक्टली इसी प्लेट पे इसको ऐसे करके रख देंगे। एक बार मैं आपको बिस्किट बना के दिखाती हूँ, आप चाहे बड़ा भी कर सकते हैं साइज, छोटा भी कर सकते हैं, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है बीच में से बिस्किट मोटी ना हो, इसलिए मैं बीच में से अंगूठे से प्रेस कर रही हूँ। पहले ऐसे 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 प्रेस करना है, फिर अंगूठे से थोड़ा इसको यहाँ से ऐसे पुश करना, क्योंकि वो बीच में से अगर मोटी रहेगी तो पूरी तरह से बेक नहीं होगी, इसलिए थोड़ा सा आपको बीच में से पतला रखना है। ऐसे ही अगर आपके पास टूथपिक है तो और भी अच्छी बात है, आप उससे आराम से कर सकते हैं। आपको थोड़ा अंदर तक इस पे मार्क मारना है जिससे वो डिजाइन उभर के आए। फिर से हम इसमें आप पिस्ता भी डाल सकते हैं, जो भी आपको डालने का मन हो आप वो डाल सकते हैं। और फिर मैं फॉक के पीछे से इसको उठाऊंगी ऐसे, और फिर इसको देखिए कितनी अच्छी लग गई है। तो फिर हम ऐसे ही अपने सारी सारी बिस्किट तैयार कर लेते हैं। मैं एक और आपको तरीका बता रहे हैं, ये देखिए, या तो आप इस पे चकले पे रख के इसको प्रेस कर लीजिए, या तो आप ऐसे इसकी थोड़ी सी छोटी सी लोई ले लीजिए और इसे आप हल्की से हाथ से ऐसे दबा दीजिए। देखिए ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, ये साइड से ब्रेक हो रही थी, लेकिन ये देखिए इसमें फिनिशिंग ज्यादा अच्छी आ रही है, इसमें कम ब्रेक हो रहा है। आप भी ऐसे करना, थोड़ा हथेली पे रख के उसको प्रेस करना, ये देखिए ऐसे। आपको जैसे भी इजी लगे, अगर आपका चकले पे सही हो रहा है तो आप चकले पे कर लीजिए, जैसे भी आपका हाथ सेट हो आप ऐसे कर लीजिए। देखिए तो हम ऐसे ही कर लेंगे, हमारा फर्स्ट बैच बिल्कुल तैयार है बिस्किट का। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये। अब हम यहाँ पे देखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हमने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में मम्मी ने नमक डाल दिया था, हमने नमक डाला था कढ़ाई में, अभी दिखाते हैं। इसे आपको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए प्री हीट करना है। देखिए आप चाहे तो आप स्टैंड भी रख सकते हैं, या कोई रिंग हो आपके पास वो भी आप रख सकते हैं, हमने उसके अंदर भी नमक रख दिया था क्योंकि ये हमारा बिल्कुल कवर्ड है। तो हम ऐसे ही अपनी सारी बिस्किट्स ऐसे हम बना लेंगे, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इसमें अभी मैं बाद में डिजाइन बना के ऊपर से, अभी हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे इसको प्री हीट कर रहे हैं, हमें इसको प्लेट से ढकना है, खुला प्री हीट करना है, खुला ही रखेंगे हम इसे थोड़ा सा, बस 5 मिनट के लिए मैं कर रही हूँ, ज्यादा नहीं करूंगी, बस थोड़ा सा गर्म ही कर रहे हैं इसे, आपको खुला में ही इसको गर्म करना है। देखिए 5 मिनट हो चुके हमें से रख ली इसने, और इसको आपको फ्लेम को थोड़ा सा कम कर लेना है, मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए इस पे रखूंगी और इसको मैं कर दूंगी कवर। आपके पास ओवन या माइक्रोवेव है तो उसमें तो बहुत आराम से बन जाती है, पर मैंने ये बहुत तरीका बता रही हूँ,
कि आप इसको आसानी से घर में कभी भी कैसे भी कोई भी बना सकता आपको है। फ्लेम कम ही रखनी है क्योंकि वरना क्या होगा, आपकी बिस्किट जल जाएंगी और वो ठीक से बेक नहीं होंगी। इसे हम अभी 20 मिनट के बाद चेक करेंगे, कम फ्लेम है हमारी। तो फिर हम इतने यहाँ पे अपनी और बिस्किट्स तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने मीडियम फ्लेम पे रखी थी कढ़ाई को और 20 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे चेक कर रही हूँ। आपको हमने स्टार्टिंग में लो रखी थी फ्लेम, लेकिन आपको अपने हिसाब से बीच में चेक करके आप अपने हिसाब से फ्लेम को एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये बेक होने लगे, देखिए नीचे से कितना अच्छा कलर आ गया इनका, देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, देखिए इनका, देखिए ये अभी थोड़ा सा ठंडा होके भी अभी प्लेट गर्म है, ठंडा होके भी आँच लेगी, अभी अभी गर्म है ये, इसको बहुत आराम से आपको निकालना है। ये देखिए आप इसमें और इसमें कितना फर्क है, ये देखिए, देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छे से बेक हो गई। अभी ये ठंडी होंगी जब इसे हम निकालेंगे। अब मैं ये अपना ये दूसरा ये बैच भी इसका रख दूंगी बिस्किट का, ऐसे इसको आपको रखना है, मीडियम फ्लेम कर देनी है आप घड़े में देख के 20 मिनट के लिए सेट कर लीजिए टाइम। अब इसको ऊपर से निकाल दूंगी कवर, आपको बीच में चेक भी करना है, बीच में आप एक बार चेक करते रहिएगा खोल के। तो फिर अब हम देखेंगे जब 20 मिनट बाद हम चेक करेंगे। देखिए इसे भी रखे भी 20 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे निकाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्योंकि कढ़ाई पहले भी गर्म थी तो ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएंगी। ये देखिए कितनी अच्छी, ये देखिए बेक हो गई है, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से बेक हुई है। कढ़ाई बंद कर ली हूँ, इसको हम आराम से इसको निकाल लेंगे। कितनी अच्छी लग रही है। अब जब ये ठंडी हो जाएंगी तो इसे हम सर्विंग, अगर आपको इससे भी पतली बनानी है तो थोड़ा सा पतली बना सकते हैं, देखिए वरना ये बहुत अच्छी, ये ऐसी ही अच्छी लगती है, थोड़ा सा अंदर से भुरभुरी हो जाती है। ये देखिए अब ये ठंडी हो जाएगी प्लेट जब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए हमारी, देखिए कितनी अच्छी बिस्किट तैयार हुई है ये घर पे, ये देखिए पीछे से पूरी बेक हुई है, देखिए देखिए कितनी अच्छी लग रही है सारी, कितनी अच्छी बेक हुई है हमारी। और मैं आपको एक बिस्किट तोड़ के भी दिखा रही, देखिए कितनी गुरगुरी और करारी, देखिए अंदर से पूरी बेक है और खाने में बहुत टेस्टी लग रही है। अभी हमने टेस्ट किया, बहुत अच्छी बिस्किट लग रही है, ये आप बना सकते हैं। आपको बस इसको चेक करना है बीच बीच में, थोड़ा आपको अपना फ्लेम का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी इसमें मेरा एक बैच हो रहा है बिस्किट का, तो इतने मेरे ये वो बन रहा था, मैंने कहा इतने मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये बिस्किट बहुत अच्छी बनी है हमारी। आपको 20 मिनट के लिए ही रखना है, 20 से ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, बस आपको चेक करना है, मीडियम फ्लेम पे रखिएगा और इसे आप चेक करते रहिएगा बीच में। देखिए कितनी अच्छी बनी है हमारी, बिना ओवन की और बिना माइक्रोवेव की, देखिए हमने घर पे कढ़ाई में बिस्किट बनाई है, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी बनती है बिस्किट, खाने में भी टेस्टी है। ये थी आज की हमारी छोटी सी, ये थी आज की एक छोटी सी रेसिपी कि हम आटे की बिस्किट घर पे कैसे बना सकते हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी, आज की वीडियो पसंद आई हो, तो आप भी बनाना और हमें बताना कमेंट सेक्शन में कि आपकी ये आटे वाली बिस्किट कैसी बनी। तब तक के बाय। अब बारी है टिप्स ऑफ द डे की। पहले टिप, आपको रूम टेम्परेचर का देसी घी चाहिए, फ्रिज वाला नहीं चाहिए और ना ही आपको देसी घी को मेल्ट करना है। दूसरा, आपका पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर आप यूज कर सकते हैं। तीसरा, आप ग्रीस कर सकते हो सिल्वर फॉइल को, आप प्लेट पे सिल्वर फॉइल लगा के उसके ऊपर देसी घी लगा सकते हो। और मिल्क एंड शुगर पाउडर ऑन बिस्किट, इसमें क्या करना है आपको, जब आप बिस्किट बेक करने के लिए डाल रहे हो तो आपको बिस्किट के ऊपर थोड़ा सा दूध और जो शुगर का पाउडर होता है उसका थोड़ा सा आपको लिक्विड बना के कॉटन बॉल से आप उस पर लगा सकते हो बिस्किट पे, उससे आपकी बिस्किट क्रिस्पी बनेगी। उसके बाद आपको जो नमक का यूज करना है बिस्किट, जो आप बिस्किट का डो बनाओगे उसमें आप जो आपको नमक यूज करना है वो थोड़ा पतला होना चाहिए। अगर आप मोटा नमक यूज करोगे तो उससे क्या होगा, बिस्किट खाते हुए नमक आपके मुंह में आएगा, तो इसलिए आपको बारीक नमक का यूज करना है। अगर आपके पास मोटा नमक है तो आप उसको छान भी सकते हैं। फिर होता है अगर आप बेकिंग के टाइम नमक का यूज नहीं करना चाहते, कढ़ाई में नमक नहीं डालना चाहते क्योंकि सबको लगता है कि हमारा नमक वेस्ट होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, बिना नमक के भी उसको बेक कर सकते हैं। जब आप बिना नमक के बेकिंग कर रहे हैं तो आपको कढ़ाई को 10 मिनट के लिए पहले मीडियम फ्लेम पे प्री हीट करना है। फिर जब आपकी कढ़ाई गर्म हो जाए तो आप या तो लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए आप बिस्किट को बेक करने रख सकते हैं। फ्लेम आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है और बस आपको एक ही बार बीच में खोल के देखना है।
आप अपनी बिस्किट को 15 मिनट के बाद खोल के एक बार चेक कर सकते हैं, फिर उसको 5 मिनट के लिए और उसको बेक होने दे सकते हैं। तो ये थी छोटी छोटी टिप्स, आई होप आपको ये टिप्स, आपको ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं वो आपके काम आएंगे। बाय।